परसा थाना क्षेत्र के बनकेरवा बांध गांव में गत दिनों अपराधियों द्वारा ट्यूशन पढ़ाने जा रही एक 23 वर्षीय युवती की गोलियों से भूनकर हत्या करने की सूचना पर जन अधिकारी पार्टी के प्रदेश महासचिव प्रेमचंद सिंह, जिला महासचिव सुनील कुमार राय ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी। महासचिव प्रेमचंद सिंह ने कहा कि पीड़ित परिजनों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया और कहा कि बिहार में अपराधियों का राज है। राज्य में नरसंहार, हत्या, बलात्कार, लूट चरम पर है। अपराधियों पर सरकार का कोई शिकंजा नहीं है। उन्होंने घटना में संलिप्त अपराधियों पर कार्रवाई करने की मांग की। दीपक कुमार, विनोद कुमार, रमेश रंजन प्रसाद, अमरजीत सिंह, राजेश रंजन उर्फ पप्पू, अरुण सिंह समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। मालूम हो कि बनकेरवा बांध गांव निवासी विनोद राय की पुत्री गत दिनों होम ट्यूशन पढ़ाने पैदल जा रही थी, तभी बाइक पर सवार अपराधियों ने बनकेरवा चेमनी के समीप तारातर गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार भागने में वो लोग सफल रहे। डीलाइव टीवी के लिए परसा से मोहम्मद यूसुफ के साथ सोहन ठाकुर की रिपोर्ट। आश्वासन का नहीं है, पूरा बिहार जिस तरह से आज अपराध के चंगुल में और हत्या के एकमात्र अड्डा बना हुआ है, कश्मीर से भी सबसे ज़्यादा आज, चाहे नरसंहार के रूप में हो चाहे गोलियों की बौछार से अपराधियों के द्वारा मार दिया जा रहा हो, आज आंकड़ा उठाकर देख लीजिएगा तो बिहार सबसे ज़्यादा हत्याओं का राज बन चुका है, दुष्कर्म और डकैती का राज बन चुका है। और ऐसे में एक बच्ची का आश्चर्य लगता है कि एक होनहार बच्ची जो आज गांव को संवार रही थी पढ़ करके पढ़ा करके, और उसकी हत्या हो जाना आज बिहार नहीं, आज से परसा नहीं, पूरे समाज के लिए, हम सब के लिए आज एक सवाल उठता है कि बेटी प्रमिला आज हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन उसकी जो कृति पढ़ा करके पढ़ करके जैसे वो चल रही थी, निश्चित तौर पर एक साजिश, एक घोर साजिश, एक षड्यंत्र बड़ा होगा, तभी उस बच्ची की हत्या की गई है। अपराधी छोटा होगा बड़ा होगा गोली मारने वाला, लेकिन षड्यंत्रकारी बहुत ही जालिम और यहाँ के से ही होगा। इसलिए हम परिवार से मिलने आए हैं अपने आदरणीय नेता पप्पू यादव जी।